अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लोग मोहम्मद इम्तियाज में फिर से आप लोग के दरमियान में अपने वीडियो के जरिए बात रखना चाह रहा हूँ। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा सुने भाई। देखिए भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो निंगमपल्ली जो मस्जिद में जो हादसा जो हुआ है, इमाम को जो मारा गया है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और वहाँ के लोग, मुकामी लोग निंगमपल्ली पीएस में कंप्लेंट करने के बावजूद भी, लेकिन वहाँ पर पुलिस आज तक वहाँ के लोगों को जो हमला जो करे है उनको अब तक गिरफ्तार करी नहीं। लेकिन इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस कोई सीरियसली एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन ये हमारा होम मिनिस्टर जो महबूब अली जो है ना, हमेशा मीडिया के सामने आकर हमारा बहुत बेहतरीन पुलिस है, हमारी तेलंगाना की बहुत बेहतरीन पुलिस है, इमीडिएटली एक्शन लेती, कुछ भी नहीं ले रही हमारे महबूब अली साहब। आप लोगों को दीजिए, बड़े बड़े कमिश्नर को और डीआईजी जो भी बड़े बड़े पोस्टों में जो पुलिस वाले हैं ना, इन लोगों के हाथों तुम लोग ही बंद करके रखे, कुछ भी मत करो भाई। जो भी हमले, जो भी क्राइम, जो भी हो रहा ना, सब अपने अपनी है। आप लोग खामोश बैठो, अगर गिरफ्तार करना है तो करो, सामने से कर लो फिर पीछे से छोड़ दो। ये तमाम पुलिस वालों को, ये होम मिनिस्टर और ये सीएम, तमाम एमएलए, बड़े बड़े मिनिस्टर ना, जितने भी बैठे हैं ना, ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट को ये लोग खुद काम कर रहे हैं इधर। याद रख लो भाई, एक दौर था हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में, जब तेलुगु देशम की जब हुकूमत थी तो पुलिस इतनी बेहतरीन तरीके से काम करती थी। बड़े से बड़ा रॉडी भी कुछ भी क्राइम करने से पहले सोचता था। ये जब से टीआरएस की हुकूमत आई, आप गौर कर लीजिए, क्राइम हैदराबाद क्राइम में नंबर वन हो चुका है। और ये महबूब अली सिवाय तारीफ के, मेरा केसीआर महान, मेरा महान लीडर और मेरा बेहतरीन सीएम, मेरा बेहतरीन कमिश्नर, इनके सर की पुलिस कहीं नहीं है। बस ये बात होते रहते इनके हमेशा टॉपिक पे। मैं यहाँ से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अंजनी कुमार साहब से, अंजनी कुमार साहब आप लोग ड्यूटी और हमारे लिए काम करिए, आप लोग पब्लिक के लिए, मिनिस्टरों के लिए काम मत करो। आप गौर कर लीजिए, मैं तमाम आवाम को कहना चाह रहा हूँ, जितनी भी पुलिस है ये पूरे मिनिस्टर सिर्फ अपने लिए रख लिए, आवाम के लिए कुछ भी ना रखे। ये पुलिस सिर्फ इनकी हिफाजत के लिए है, ये पब्लिक की हिफाजत के लिए पुलिस है ही नहीं। क्यों बोले तो ये बड़े बड़े पुलिस वालों को ये बोले लगा, बस तुम लोग हमारी हमारी ड्यूटी करो, हमारे पीछे रहो और हमारे घरों के पट ठहरो, चौकीदारों के सर का, पब्लिक के लिए कुछ काम मत करो। और इसी तरह भाई, बाबू के दौर में पब्लिक के लिए काम करती थी पुलिस, लेकिन केसीआर के दौर में सिर्फ मिनिस्टरों के पीछे, एमएलए के पीछे ऐसी पुलिस, और ये होम मिनिस्टर के पीछे पुलिस रखी हुई है बस। अरे पुलिस असल तो पब्लिक के लिए होना, ये मिनिस्टरों के लिए ना होना। मैं अंजनी कुमार से मेरी एक अपील कर रहे हैं, हम तमाम पब्लिक, आप लोग दिन रात मेहनत कर कर आज कमिश्नर की सीट पर बैठे, आप लोग 60 से 70 साल के सर्विस मैन है, ये लगा क्या है, 5 साल के मेहमान किराए के टटुआने लगा। आप इन लोगों के पीछे इतना टाइम बर्बाद मत करो, पब्लिक के लिए टाइम निकालो। आज तेलंगाना में सबसे टीआरएस की हुकूमत बैठी, आज चारों तरफ लोग पुलिस के ऊपर आवाज़ उठा रहे, पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो रहा, ये सिर्फ केसीआर की हुकूमत की वजह से। अपील कर रहे हैं तमाम हैदराबाद की आवाम, अंजनी कुमार साहब से, बड़े बड़े जितने भी जो रौडियाँ हैं ना, इन लोगों के ऊपर सीरियसली एक्शन लो, चारों तरफ क्राइम में नंबर वन हो चुका है हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम।